बिफोर वी मूव फॉर दर टू दिस स्टोरी जब मैं ये वर्ड कहती हूँ साइंटिस्ट और वेन एवर आई आस्क यू टू इमेजिन अ साइंटिस्ट हाउ डू यू थिंक अ साइंटिस्ट लुक्स लाइक ठीक है साइंटिस्ट कैसा होता है सबसे पहले तो हमारे माइंड में इमेज आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की ठीक है तो साइंटिस्ट होंगे तो पहले बात तो एजड uh, होंगे राइट एज में बड़े होंगे सफ़ेद बाल होंगे चश्मा पहनेंगे एक वाइट लैब कोट पहनेंगे राइट एंड मे बी विद माइक्रोस्कोप समथिंग अ वेरी सीरियस पर्सन राइट सो दैट इज वॉट साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सो मेनी राइट बट वॉट इफ़ आई टेल यू दैट वॉट इज द जनरल एज ऑफ अस्ट यू विल से मैम साइंटिस्ट समयर लेट फोर्टीज अर्ली फिफ्टीज राइट चालीस पचास साल के लोग ही साइंटिस्ट होते हैं लेकिन आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इससे हमें एक बात पता चलती है वो ये होती है कि किसी भी प्रोफेशन की कोई उम्र नहीं होती यानी नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती किसी ऑक्यूपेशन की उम्र नहीं होती क्योंकि आज हम जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो महज तेरह साल की उम्र में से ही साइंटिस्ट बन चुके थे बारह तेरह साल की उम्र से ही साइंटिस्ट बन चुके थे आप लोग तेरह साल में साइंटिस्ट पे हम पंद्रह साल में जो माता पट्टी कर रहे बोर्ड एग्जाम के साथ द रीजन इज इज पैशन फॉर द सब्जेक्ट द टेक्निक एंड strategy फॉर studying इन द राइट वे आप सभी के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। साइंस है मैथ्स है फिजिक्स है इंग्लिश है केमिस्ट्री है सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स है कितने ही सब्जेक्ट है आपके पास लेकिन क्या आपको पता है कि विच इज द सब्जेक्ट दैट यू आर द मोस्ट पैशनेट अबाउट आर यू अवेयर कि आपको किस टॉपिक या किस फील्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है अगर नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं क्योंकि नाउ इज द राइट टाइम टू फाइंड आउट योर फील्ड ऑफ स्टडीज वेन यू फाइंड आउट कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जैसे मुझे लिटरेचर और लैंग्वेज में इंटरेस्ट था बचपन से तो जब आपको जैसे ही पता चल जाता है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप उसमें करियर बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके करियर को कोई भी रोक नहीं सकता वेन यूर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू मेक अ करियर आउट ऑफ इट यू नेवर फील लाइक इट इज अ बर्डन कभी वो आपको एक बर्डन कभी एक स्ट्रेस नहीं लगता है इसीलिए तो 12 साल की उम्र में भी एक बच्चा साइंटिस्ट बन गया लेकिन उसको साइंस से डर नहीं लगा क्योंकि उसने वो सब्जेक्ट पे ध्यान दिया उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया उस फील्ड को एक्सप्लोर किया जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था So, इस स्टोरी से हमको ओवरऑल एक चीज समझ में आती है जो हम पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा वो ये है कि जब व्यक्ति अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में काम करता है तो वो काम उसके लिए एक बोझ नहीं होता है और उस काम में वो एक्सलेंट डेडिकेशन और आउटपुट पा लेता है सो दिस इज अ स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट का फॉर्मूला क्या है एक साइंटिस्ट बनने का फॉर्मूला क्या है एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या

फिर मे बी डॉक्टरेट करनी होती है राइट पीएचडी एच देन उसके बाद लेबोरेटरी में कई साल काम करने होते तब जाके जो है साइंटिस्ट बनता है मैं कहती हूँ साइंटिस्ट तब बनता है जब आपके मन में आती है जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जी हाँ क्यूरियोसिटी जैसे ही आपके मन में आती है आप बन जाते हो साइंटिस्ट क्योंकि आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आई है लेकिन उसको आप जो है एक्सप्लोर करोगे उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आप हो चुके हो साइंटिस्ट हर वो बच्चा साइंटिस्ट है जिसने अर्थवर्म को पकड़ कर उसके ऊपर नमक डालकर देखा है कि कैसे वो यू नो तड़पता है एंड वो हर बच्चा साइंटिस्ट है जिसने हर एक फील्ड में यू you नो know, अपना इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा एग्जिबिट किया है

क्लियर टू यू ऑल दट चलो सो रिचर्ड एब्राइट जो है एक रियल लाइफ पर्सन है जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए अगेन मैं साइंटिस्ट कहती हूँ तो आप लोग सोचते हैं यू नो दीज आर द पीपल हु आर वेरी यू नो बहुत ही ज्यादा एजुकेशन पाते हैं बहुत ही सीरियस होते हैं हमेशा टॉपर होते हैं टॉपर लोग ही साइंटिस्ट बन सकते हैं ये भी एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है साइंटिस्ट बनने के लिए आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है बस आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए सही डायरेक्शन होनी चाहिए ठीक है जैसे रांचो और चतुर में क्या फर्क है ये स्टोरी जिस बच्चे की है वो बच्चा रांचो था अपनी लाइफ में चतुर नहीं था तो वॉट इज द डिफरेंस द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए पैशन होना चाहिए ठीक है ना कि एक बर्डन सो हाउ डिड द स्टोरी हैपन अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ रिचर्ड एब्राइड पेंसिल्वेनिया में रहते थे इज़ अ स्टेट इन बाई वन ठीक है सो नाउ एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अभी क्या हो रहा है ये इनकी एक बायोग्राफी है ठीक है तो उनका हम थोड़ा सा लाइफ पढ़ेंगे कि कैसे वो इस पोजिशन पे आए

ठीक है स्काउट ऑफ द ईयर का उनका अवार्ड मिला हुआ है और वो जो है उन्होंने एक नई थियोरी जो है uh, निकाली वो विच वॉज हाउ सेल्स वर्क ह्यूमन सेल्स बायोलॉजी तो आप लोगों को पता है वो कैसे काम करते हैं रिचर्ड है, रिचर्ड्राइट ने इसके ऊपर स्टडी किया और वो किसके साथ किया सोचो 22 साल की उम्र मतलब आज से सात साल बाद आप एक इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू डिस्कवरी करने वाले हो राइट अपने रूममेट के साथ इससे पता चलता है सही संगत का कितना अच्छा असर होता है तो उनके रूममेट के साथ मिलके उन्होंने जो है ये थियोरी एक्सप्लेन की एंड द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में ये पब्लिश हुई थी इनकी थ्योरी किन किन की रिचर्ड एब्राइट और उनके दोस्त ने मिलकर की थी ये सर्च विच वॉज हाउ सेल्स वर्क सेल्स कैसे काम करते हैं ठीक है थीके? सो so, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवलेशन था इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स क्यों था ये बहुत ही यू नो आउटस्टैंडिंग बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स का बाईस साल में कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है और उसकी आर्टिकल पब्लिश हुई है उसका रिसर्च पब्लिश हुआ है राइट एट द एज ऑफ ओनली ट्वेंटी टू कॉलेज स्टूडेंट्स दो कॉलेज स्टूडेंट मिलकर इतनी बड़ी रिसर्च जो है पब्लिश कर दी है राइट right? सो so, ये बहुत ही ब्रेक थ्रू मोवमेंट था इन स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना पंद्रह साल की उम्र से ही अंडर फिफ्टीन अंडर एटीन इस तरीके की अचीवमेंट्स होती रहती है लेकिन साइंस की फील्ड में हम जो है जनरली देखते हैं पीपल हु आर वेरी एल्डर एंड वेरी यू नो एजुकेटेड वही लोग इस तरीके की ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस करते हैं सो इन स्पोर्ट्स इट इज लाइक यू नो मेकिंग इन द बिग लीग्स एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड हिटिंग अ होम रन विथ फर्स्ट टाइम एट अ बैट होम so, रन किस में होता है कौन से स्पोर्ट uh, में होता है तुरंत बताइए यस बेसबॉल में होता है तो ऐसी बात होगी जैसे अंडर फिफ्टीन में ही आप जैसे लग गए हो बेसबॉल में और आपने पहले ही बॉल पे सीधे होम रन मार दिया होम रन जैसे हम कह सकते हैं हमारे में जैसे छक्का वगैरह होता है चौका छक्का वैसा ठीक है सो रिचर्ड ए के लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स थी उसके लिए ऐसे नहीं कि पहली बार उसने कुछ बड़ा सा किया हुआ रिचर्ड एपराइट ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑलरेडी अचीवमेंट्स करी हुई थी और उनमें से जो है ये एक बढ़िया अचीवमेंट रही है सो ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट स्ट्रिंग यानी एक धागा यानी इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी पहले से किसमें साइंस में और अदर फील्ड्स में भी और ये कैसे शुरू हुआ ये सब शुरू हुआ प्यारी प्यारी तितलियों से तितलियों से मतलब इनकी लाइफ इनका जो जर्नी है to becoming a scientist started from butterflies now you will see how a small hobby has turned his life into a career हॉबी को उन्होंने कैसे करियर बनाया पैशन को कैसे करियर बनाया पेरेंट्स का क्या रोल होता है इसमें हमारा सर्कल क्या इंपॉर्टेंस देता है अगेन जैसे मैंने बैकग्राउंड आपको बताया रिचर्ड वाज़ ओनली चाइल्ड ही 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 हैड अ अ मदर हैव फादर सिंस वाज़ ओनली चाइल्ड यानी ही हैव एनी सिबलिंग्स ऑल्सो भाई बहन नहीं थे और जो मेरे सिंगल चिल्ड्रन है सिंगल चिल्ड्रन जो आउट द वो जानते हैं कि भाई बहन की कमी क्या होती है राइट right? तो खेलने कूदने के लिए कोई आस पड़ोस में भी ज्यादा इतना नहीं था तो उनका जो पास टाइम था इट वॉज टाइम था बहुत डिफिकल्ट uh, था फुटबॉल खेलने के लिए कम से कम 11 लोग तो चाहिए वो अकेला कैसे फुटबॉल खेलेगा ना क्रिकेट खेल सकता है ना बेसबॉल खेल सकता है कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेल सकता तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम सो वॉट इज मदर थॉट वॉज लेट मी गिव हिम अ हॉबी एंड सिंस हिज मदर ऑल्सो लॉस्ट हर हस्बैंड

पैदा पहला पैदा हुआ है और पले बड़े हैं पेंसिल्वेनिया में पेंसिल्वेनिया यूएस में आता है ठीक है सो सिंस ओनली चाइल्ड थे और आस पड़ोस में भी ज्यादा बच्चे नहीं थे तो क्या हुआ कि उनके पास कुछ खे करने के लिए कुछ था नहीं और बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है राइट ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय तो उनके लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है वो कहते हैं आई कड प्ले फुटबॉल बेस बॉल में तो खेल ही नहीं सकता था बिकॉज अकेला था मैं अकेले की टीम से मैं क्या फुटबॉल बेसबॉल खेलता तो मैंने क्या किया मैं एक चीज कर सकता था और वो मुझे पसंद था वो था कलेक्ट करना चीजों को कलेक्ट करना आई थिंक बहुत सारे बच्चे जिनकी हॉबी रही है बचपन से कलेक्शन की सो uh, so मेरी भी हॉबी थी कुछ कुछ चीजें कलेक्ट करने की सबकी अपनी अपनी अलग होती है तो इसको भी कलेक्ट करने की हॉबी थी सो so, उसने क्या कलेक्शन स्टार्ट किया उसको बटरफ्लाई तितलियां बहुत पसंद थी तितलियां पकड़ना उसने शुरू किया अगेन ब्रेकिंग जेंडर हम लोग क्या कहते हैं लड़कियों को तितलियां पसंद होती है लड़कों को ड्रैगन पसंद होता है ऐसा कुछ नहीं होता लड़कों को भी तितलियां पसंद हो सकती है दिस दिस इज ओके बट द वे बैक इन द प्रीवियस एरा राइट वहां पर ही सो एनलाइट अगेन तितलिया कलेक्ट करना उसको पसंद था सो ही इन द एज ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंडर गार्डन के स्कूल के टाइम से ठीक है चार साल की उम्र से ही जो है एब्राइट ने बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना शुरू किया एंड ही वॉज डूइंग इट विद ऑफ डिटर्मिनेशन लॉड ऑफ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरेस्ट उनको बहुत पसंद आई ठीक है सो नॉट ओनली बटरफ्लाईज वुड ऑल्सो कलेक्ट रॉक्स पत्थर फॉसिल्स एंड ही वुड यूडो कलेक्ट कॉइन सो ये उनकी हॉबी थी ये सब कलेक्ट करने की राइट एंड देन इसी वजह से ही ऑल्सो बिकेम एन ईगर और एस्ट्रोनॉमर ईगा मतलब बहुत ही उत्सुक आतुर आप कह सकते हो बहुत ही इंटरेस्टेड सो ही बिकेम एन एस्ट्रोनॉमर मतलब वो कोई एस्ट्रोनॉमर ऐसे नासा में नहीं मतलब उनको स्टार गेजिंग बहुत पसंद था आसमान में तारों को देखना रात को और फिर स्पेशली अगर आप देखोगे तो तारों को आइडेंटिफाई करना कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करना ही टू लव दैट ठीक है सो ये उनकी हॉबी थी ठीक है अगेन इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रिचर्ड एब्राइट की एज अ चाइल्ड क्या क्या हॉबीज थी सो यू कैन सी कलेक्टिंग जो क्यूरियोसिटी थी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी यानी बढ़ती हुई पनपती हुई जो जिज्ञासा है उनके अंदर जो उनके अंदर इच्छा है बहुत सारी चीजों को जानने की जो बढ़ते ही जा रही है वक्त के साथ इस जिज्ञासा ने क्या किया अलॉन्ग विधअ ब्राइट माइंडर्स वो काफी थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हर बच्चा मुझे तो लगता है ना जब आप पैदा होते हो हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है राइट right? सो so, उनका भी माइंड काफ़ी शार्प था और उनको काफी इंटरेस्ट भी था एंड ऑफकोर्स एक माँ जो काफ़ी एनकरेजिंग थी बहुत ही सपोर्टिव थी मोटिवेटिंग मदर थी, थी उनकी सो वट हैपन् अच्छी जो सपोर्टिव मदर एक ड्राइविंग क्यूरियसिटी अच्छी जिज्ञासा और ब्राइट माइंड की वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया सीखने का इंटरेस्ट कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट मैं इसलिए कहती हूँ अगर आप अपने पैशनेट फील्ड में होंगे ना तो आपको पढ़ाई कभी बर्डन नहीं लगेगी राइट कोई कोई सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके फेवरेट होंगे और उसको आपको पढ़ने को कभी टेंशन ही नहीं आता होगा उसकी वीडियोस देखने को भी आपको कभी टेंशन नहीं आता होगा राइट तो वैसे ही वो इंटरेस्ट को पकड़े रहना बच्चों उसी में करियर बनाना तो उनको भी इंटरेस्ट था तो उसकी मम्मी क्या करती थी जैसे मैंने कहा उनके फादर नहीं थे तो उनकी मम्मी जो है उनको ट्रिप्स पर लेके जाती थी उनकी मम्मी ने उनको एक टेलीस्कोप खरीद के दिया ठीक है एक टेलीस्कोप खरीद के दिया क्योंकि उनको स्टार गेजिंग का भी हॉबी था टेलीस्कोप खरीद के दिया माइक्रोस्कोप खरीद के दिया कैमरा खरीद के दिया क्योंकि वो फोटोग्राफी का भी शौक रखते थे ही वॉज अ वेरी गुड फोटोग्राफर एज वेल ठीक है माउंटिंग मटेरियल्स खरीद के दिए और बाकी बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीद के दिए जिससे उनकी जो क्यूरियोसिटी है उनकी जो हॉबीज है वो यू you नो know, बढ़ते जाए ठीक है नाउ इट वाज ज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल अब स्कूल शुरू होने से पहले उनकी हॉबी जो थी वो उनका कंपेनियन था उनका साथी था बिकॉज आस पास उनकी एज का कोई बच्चा नहीं था खेलने के लिए तो वो यही हॉबीज अपने करते थे देखो कितने मतलब होते हैं आपने तारे जमीन पर पिक्चर भी देखी होगी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिंगल होते हैं तो फिर इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपनी हरकतों में अपनी दुनिया में एक गेम बना रहे थे तो उनकी मम्मी ने वो एक जो है उनका अकेलापन देख के सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को अपनी दुनिया में खोने नहीं दूंगी तो उन्होंने उनकी हॉबीज आइडेंटिफाई की और उस हिसाब से उनको सारी चीजें कि तो अच्छा सपोर्ट किया थीके? तो आ, अब क्या हुआ अब स्कूल उनका शुरू हो गया तो स्कूल जैसे ही शुरू हो गया तो फिर स्कूल के दोस्त जो है उनकी मम्मी उनके दोस्तों को घर पे आने भी देती थी कई बार घर वाले डांटते भी है हमारे दोस्तों को लाते लेकिन उनकी मम्मी बड़ा इंकरेज करती थी जब अपने और उनकी मॉम ही जो है फ्रेंड्स लेके आती थी, थी उनके लिए लेकिन रात को जो है आ, सारी दुनिया जब यू नो चले जाते थे अपने घर पे उनकी मॉम जो है एज अ फ्रेंड उनके साथ खेलती थी क्योंकि उनकी मॉम उनके इंटरेस्ट को बड़ा बढ़ावा देती थी तो उनका जो भी यू नो स्टार गेजिंग हो जो भी है ये सारी चीजें वो लोग रात को इकट्ठे करते थे ठीक है तो मम्मी जो है अपना जॉब भी करती थी और शाम को उनको वक्त देती थी कि रात में अभी तुम और मैं मिलकर हम लोग तुम्हारी जो भी फेवरेट हॉबी है हम वो करेंगे इकट्ठे सो रिचि जो है रिचि उनका शॉर्ट फॉर्म है को शॉर्ट में रिची बुलाया जाता है तो रिचि जो है उसकी मम्मी कहती है रिचि मेरी सारी जिंदगी थी ऑफ कोर्स क्योंकि उनके पापा गुजर गए थे जब वो तीसरी कक्षा में थे तो उनके पापा के गुजरने के बाद रिचि जो है उनकी सारी जिंदगी थी स्टार गेजिंग क्या होता है डेविल्स प्रोडक्शन पूछ रहे हैं तारों को देखना ठीक है आसमान में तारों को देखना उसमें से कॉन्सलेशन जो हम uh, uh, कंसलेशन देखते हैं जो स्टार फॉर्मेशन होते हैं उनको देखते हैं मून प्लानट्स ये सारी चीज़ें जो देखते हैं उसको स्टार किसिंग कहते हैं तो अब मम्मी की पूरी ज़िंदगी जो है बच्चे की तरफ उन्होंने डेडिकेट कर दी तो बहुत अच्छा उनका जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम था तो अब वो और उनका बेटा जो है हर शाम क्या करते थे डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पे बैठते थे और साथ में इकट्ठे खाते थे और बातचीत करते थे एंड अगर उनकी मॉम कहती है अगर उसके पास कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं था तो मैं उसको कुछ काम दे देती थी अब काम मतलब जो हमारे घर में देते हैं वैसे काम नहीं कि बर्तन धो ले पोछा कर दे कुछ नहीं काम तो घर के काम इतने वो कर ले वैसा नहीं फिजिकल वर्क नहीं देती थी सीखने के काम देती थी मतलब कुछ सीखने के लिए उनकी मम्मी उनको कुछ सवाल दे देती थी कि चलो इसका मतलब निकालो या कुछ यू नो ढूंढने के लिए कुछ दे देती तो सीखने के लिए लर्निंग थिंग्स के जो है उनकी मम्मी काम देती थी और उनको अच्छा लगता था क्योंकि उनको ढूंढना उनको जानना बहुत पसंद था सीखना बहुत पसंद था रिची को ठीक है हर बच्चे को मुझे लगता है इस तरीके की इंटरेस्ट होती है और अगर उस तरीके का तो काफी सीखा उसने वो जरूर सीखा ठीक है उन्होंने सीखा भी देखो पढ़ाई रांचो के तरीके से करोगे तो स्कूल में ताप, ताप जरूर आओगे रिची और रांचो में देखो कितना सिमिलैरिटी है रिची और रांचो दोनों वर्ड भी सेम ही है तो टॉप ग्रेड्स आते थे उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे स्कूल में और हर रोज जो है ऑन एवरी डे थिंग्स हर चीज रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो बाकी बच्चों की तरह था ऐसा नहीं कि मतलब दिन भर बस पढ़ता रहता था और एकदम पढ़ाकू गीक जैसे हम कहते हैं कि यू नो चश्मा लगा लो आप इमेजिन करते हो जो लोग शेल्डन को देखते होंगे यंग शेल्डन वो जानते होंगे मैं किसकी बात कर रही करी बट ऐसा नहीं था बाकी बच्चों की तरह था बाकी चीज़ें यू नो कभी जिद करना कभी मस्ती करना वैसा भी था वो नॉर्मली था ठीक है उनकी मम्मी ऐसा कहते लेकिन जैसे ही वो दूसरी कक्षा में आया एबराइट जो है उन्होंने 25 स्पीशीज प्रजाति 25 प्रजाति ढूंढ रखी बटरफ्लाइज की ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज बाय द एज ऑफ दिन कैन यू इमेजिन यानी सेकेंड ग्रेड में ही उन्होंने इतने सारे स्पीशीज ढूंढ लिए उनके होम टाउन में ठीक है पेंसिल्वेनिया में जहाँ रीडिंग में रहते थे वो वहां पे पच्चीस जो है प्रजाति कौन सी कौन सी देखो भाई हमको तो इतनी प्रजाति पता भी नहीं है राइट बट इन्होंने ये सब ढूंढ रखा सिक्स वीक्स में आ, ये सारे जो है प्रजातियां हैं गोजामो विंग्ड बटरफ्लाईज वुड निम्स एंड सटायर्स ब्रश फ्रूटेड बटरफ्लाईज ठीक है मोनाक्स एंड व्हाइट एंड सल्फर्स सो इनकी जो है एंड स्नाउट बटरफ्लाई तो ऐसे ट्वेंटी फाइव जो है स्पीशीज उन्होंने ढूंढ ली बाई ग्रेड अब क्या हुआ that probably would have been the end of my butterfly collection of course 25 species मिल गई पूरे गांव में जितनी थी उन्होंने पूरी ढूंढ ली तो मतलब अब एंड हो गया चलो अब कुछ ढूंढने के लिए बचा नहीं है क्योंकि अब सारा तो उन्होंने ढूंढ लिया लेकिन मम्मी ने समझ लिया कि अब बच्चे की हॉबी समाप्त तो होने जा रही क्योंकि अब जो आ, उनको यू नो you know, प्रकृति में जो बटरफ्लाइज है उनकी आउटपुट कम हो रही है अभी तो अब वो क्या कह रहे हैं अब वो उनको एक किताब खरीद के दे दी उनकी मम्मी ने कौन सी किताब ऑफ ठीक है, एक, again, की एक है तो उन्होंने वो बुक खरीद ली, तो अब उससे उनको पता चला कि मोनाक जो बटरफ्लाई है उनका सफर उसके ऊपर तो ये पता चला की कैसे मुनाक बटरफ्लाई जो है सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट हो जाते हैं और वहां पर उनको बहुत सारी चीजें जो है पता चली और ये जो ईगर यंग कलेक्टर कौन है ये ईगर यंग कलेक्टर कौन है कलेक्शन करने वाला रिचर्ड राइट right? तो रिचर्ड के लिए एक दुनिया खुल गई कौन सी दुनिया साइंस की एक नई दुनिया खुल गई जब उन्होंने वो किताब पढ़ी और उनको पता चला कि मोनाक बटरफ्लाइज जो है दे ट्रैवल टू सेंट्रल अमेरिका ठीक है सो देन ही बिकेम इवन मोर क्यूरियस वो और जो है क्यूरियस हो गए अब किताब के एंड में क्या था किताब के एंड में था एक एक्टिविटी और वो एक्टिविटी क्या था एक चैलेंज था ठीक है इंटरनेशनल चैलेंज जो बच्चे ये किताब पढ़ रहे थे उनको एक कंपटीशन में इनवाइट किया गया था ठीक है तो जो बटरफ्लाइज है माइग्रेट करती है आपको पता है जो बर्ड्स बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स ये सारे माइग्रेट करते हैं जब मौसम बदलता है तो वो एक जगह से दूसरी प्रांत को चली जाती है तो बटरफ्लाई की माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए एक कॉम्पिटिशन था एक इन्विटेशन था वो सारे बच्चों को जिनको इंटरेस्ट है तो ये क्या था उनको क्या काम दिया था उनको टैग करना था बटरफ्लाई पे कुछ ऐसे मार्क यू नो टैग करके रखना था और फिर वो वहां से कहा तो जाती है फिर किसी और को मिलेगी तो वो टैग देखेगा तो इस तरीके का जो है एक्शन था एक्टिविटी था और ये किसने दिया था डॉक्टर फ्रेडरिकार्ट ने ये जो है एक्टिविटी दिया था और ये कौन थे डॉक्टर फेडरिकार्ट ये फे� यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा के प्रोफेसर थे एक रिसर्चर थे और उन्होंने जो है ये एक्टिविटी दी थी उन बच्चों के लिए जो ये किताब पढ़ रहे हैं द ट्रेवल्स ऑफ मुनाक किताब के एंड में इन्होंने इन रिसर्चर ने ये एक्टिविटी दी थी कि जो भी बटरफ्लाइज मिलेंगे उन पे आप टैग लगाओ ठीक है तो एब्राइट जो है हमारे रिचर्ड हमारे जो हीरो हैं इनकी मम्मी ने जो डॉक्टर ओका हार्ट है उनको एक लेटर लिखा और आ,

बटरफ्लाई uh, मिलता टैग बटरफ्लाई वो बटरफ्लाई जो है डॉक्टर को सेंड सेंड ठीक है है वो टैग जो तो अब बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन लेकिन अब देखो बटरफ्लाई थ्रू आउट द ईयर तो नहीं रहेगी ना जैसे मुनाक हमें पता है कि सेंट्रल अमेरिका को निकल पड़ती है तो पूरा साल भर तो नहीं मिलेगा उनको ये रिसर्च करने के लिए इस बच्चे को राइट रिची को तो ये सीजन रीडिंग में रीडिंग यानी वो जो पेंसिल्वेनिया में उनके गांव का नाम रीडिंग था ठीक है तो रीडिंग में कितने टाइम तक था सिर्फ छह हफ्ते थे समर के छह हफ्ते ही सिर्फ बटरफ्लाई सीजन होता था अब छह हफ्ते में वो कितनी बटरफ्लाईज इकट्ठा करेगा और कितनी बटरफ्लाईज को टैग करेगा राइट ये उसके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई तो अगर आप बटरफ्लाई को चेज करेंगे चेज यानी बटरफ्लाई का पीछा करेंगे उसको पकड़ेंगे तो एक के बाद एक तो भी आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे छह हफ्ते में आप कितना पकड़ सकते हो राइट तो ये बहुत बड़ी दुविधा हुई थी तो एब्राइट ने क्या डिसाइड किया कि मैं उनको ढूंढने से अच्छा मैं उनको अपने ही घर में उनको पालता पोसता हूं मी रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई फ्लॉक मतलब झुंड होता है जैसे हम कहते हैं अ हर्ड ऑफ लायन वैसे हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज ठीक है फ्लॉक ऑफ शीप भी शीप भी होता है ठीक तो है तो बटरफ्लाईज इसका जो ग्रुप है फ्लॉक कहते हैं उसे तो अपने ही घर में उसको पालने पोसने लगा उनकी जो है प्रजाति बनाने लगा अपने घर में जो है उनकी पैदावार करने लगा सो so वो फीमेल मोनाक को पकड़ता था फिर उसका जो अंडा है वो लेता था और अपने घर के बेसमेंट में वो उसको बड़ा करता था और फिर लाइफ साइकिल उसका शुरू होता था तो जैसे आपको पता है अंडे से कैटरपिलर कैटरपिलर से प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई तो अपने ही घर में ही स्टार्टेड रेजिंग कैन यू बिलीव कितना स्मार्ट बच्चा ये क्यों स्मार्ट है ऐसे नहीं कि पैदा स्मार्ट हुआ था क्योंकि वो उस फील्ड में जो फील्ड उसकी इंटरेस्ट की है राइट देन इसलिए मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि ये कभी नहीं सोचना कि आप बुद्धू हो या पढ़ाई में अच्छे नहीं हो आप बस सही फील्ड में नहीं हो अपनी फील्ड जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लो ताकि आप भी अपनी फील्ड के राजा बन जाओ ठीक है सो अब क्या हुआ अब वो बटरफ्लाई जैसे ग्रो करता था फिर वो उनको टैग करता था और फिर छोड़ देता था टैग कर देता, छोड़ देता। छोड़ कई साल उन्होंने ये कि आप नहीं मानोगे कई सालों तक उसने ये एक्टिविटी की तो उनके बेसमेंट में थाउजेंड्स ऑफ मोनाक बटरफ्लाईज जो है अलग अलग स्टेज में जमा हो गए राइट सो ये छह हफ्ते में उन्होंने सिर्फ इतना कलेक्शन किया अगर आप देखते हो मुनाव की कलेक्शन बहुत कम थी तो उन्होंने अपने बेसमेंट में ग्रो करना शुरू किया सो नाउ व्हाट हैपेंड कई सालों में कई सारे मुनाक बटरफ्लाई उन्होंने टैग किए भेजे टैग किए भेजे लेकिन अब एक ही एक्टिविटी से जो है बच्चा ही है राइट right? कितना भी पड़ाकू हो बच्चा ही है तो वो बोर हो गया ठीक है इसी एक्टिविटी से वो काफी बोर हो गया उनको इंटरेस्ट निकलने लगी टैगिंग बटरफ्लाईज में बिकॉज इट्स ए टीडियस टास्क टीडीएस का मतलब होता है बहुत ही हेक्टिक बहुत ही यू नो डिमांडिंग टास्क है बहुत काम करना पड़ता है उसमें ठीक है बहुत और उसमें फीडबैक कुछ नहीं आता ना वो टैग करके भेज रहा है वाह क्या हो रहा है उसको पता नहीं कई बार वो टैग करके भेज रहा है हवा में तो वो बटरफ्लाई कई बार लोगों को मिलती भी नहीं थी तो बहुत ही टी, टीरियस टास्क था फीडबैक भी नहीं था तो उन्होंने इनफैक्ट इतने सारे जो बटरफ्लाई भेजी उसमें से सिर्फ दो ही बटरफ्लाई टैग मिला है लोगों को रिकैप्चर हुई है दोबारा वो दो ही बटरफ्लाई रिकैप्चर हुई है और वो भी आसपास में ज्यादा दूर नहीं 75 माइल्स में ही वो मिली है तो ये इतना कुछ फीडबैक उनको वहां से मिला नहीं इस एक्टिविटी से बट फिर भी कई सालों तक उन्होंने डेडिकेटेडली एटलीस्ट जो है उस मुनाक बटरफ्लाई को पढ़ा अब सातवीं ग्रेड में यानी सेवेंथ क्लास में उनकी लाइफ में एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ वो क्या था सेवेंथ ग्रेड में उनको एक हिंट मिला उनको एक खबर पता चली ये कि साइंस फेयर है साइंस फेयर मतलब असली साइंस क्या होता है उनको पता चला थ्रू काउंटी साइंस फेयर काउंटी मतलब उनका विलेज उनके गांव का उनका एरिया का साइंस फेयर था साइंस मेला जिसे हम कहते हैं हमारे स्कूल्स में भी होता है आजकल तो उनके स्कूल में उनके एरिया में था उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जैसे हम सोचते हैं अभी रिची इतना इंटेलिजेंट है बचपन से इतना क्यूरियस है इतना कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो रिची जैसा बंदा अगर जाएगा एक्टिविटी में फेयर uh, में पार्टिसिपेट करेगा तो वो तो डेफिनेटली जीतेगा लेकिन वो हारा और ये मैं उन बच्चों को कहती हूँ जो बच्चे हारते हैं कई बार और उसके बाद गिव अप कर देते हैं तो वो आगे की बात ध्यान से सुने रिचि ने जब साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया वो बहुत बुरी तरीके से हारे वो ऐसे नहीं कि एक दो नंबर से हारे या सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे आए वो बहुत बुरी तरीके से हारे और उसके पीछे रीजन भी था हारने के बाद उन्होंने गिव अप नहीं किया उन्होंने सोचा मैं हारा क्यों क्यों हारा मेरे मैंने ऐसे क्या गलती करी मेरे एक्टिविटी में मेरे एक्सपेरिमेंट में जो बाकी जितने वालों ने नहीं किया उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सोचा आपने भी कभी लाइफ में हारोगे तो सोचना है कि क्या गलती हुई है और उस गलती को कैसे सुधारना है ये नहीं कि बैठ के गिव अप कर देना कि अब दोबारा कभी लाइफ में साइंस फेयर में तो मैं भाग ही नहीं लूंगा मुझे हराते हैं लोग ठीक है लो। तो ऐसा उनका एक्शन नहीं था तो उन्होंने क्या किया ऑफकोर्स बहुत सैड थे बहुत सैड थे हार चुके थे वह आप बैठे थे छोटा है अभी सातवीं में है ना तो दुखी तो हो गई और अकेले बैठे हैं वहाँ पे बाकी लोगों को सब कुछ मिला है किसी को कुछ ना कुछ तो मिला है कोई जीता नहीं तो कुछ तो कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है उनको तो कुछ भी नहीं मिला ऐसे ही बैठे दुखी ठीक है अब उन्होंने लेकिन क्या दिया था एंट्री उन्होंने क्या दी थी अपनी पार्टिसिपेशन के लिए फ्रॉक की स्लाइड दी थी अगर जो आप लोग साइंस में बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता है स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो उन्होंने फ्रॉग की जो है फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड प्रिपेयर करी थी और वो उन्होंने वो स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में दिखाया था अब इसमें क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम है कोई सोल्यूशन है कुछ नहीं है ना मैंने स्लाइड प्रिपेयर की और स्लाइड दिखा दी तो अब इसमें क्या कुछ मैंने इन्वेंशन किया नहीं कुछ इसमें मैंने प्रॉब्लम ढूंढा नहीं ना मैं को, कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ तो मुझे क्यों प्राइज मिलेगा राइट तो ये उन्होंने रियलाइज किया कि जो विनर्स है उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने सिर्फ स्लाइड मह स्लाइड लेके आके नहीं दिखाया था उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करे थे सिंपली नीट डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स नहीं किया था तो उन्होंने समझा कि अच्छा तो साइंस फेयर में जो है रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और रियल एक्सपेरिमेंट्स को ही जो है जीतने को मिलता है तो उनका जो कम्पेटेटिव स्पिरिट्स है उनके अंदर जो कम्पटिटिव स्पिरिट है वो जागा और कंपेटेटिव स्पिरिट यानी जो उनका मुकाबला करने का जो स्पिरिट है उनके अंदर वो उन्होंने उसके बदौलत वो आगे बढ़े और रिचर्ड एब्राइड ने क्या किया उन्होंने डिसाइड किया कि अगले साल जो है साइंस फेयर में मैं कुछ अच्छा रियल एक्सपेरिमेंट करके जाऊंगा तो उनको पता था कि अगले साल मैंने रियल एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है अब सब्जेक्ट उनको क्या पता था अब किस चीज में एक्सपेरिमेंट करेंगे उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है अफकोर्स द बटरफ्लाई जिनपे जिन जिनपे वो कई सालों से काम कर रहे हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस पर कुछ करूँगा मैं इंसेक्ट्स पे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा लेकिन कैसे तो डॉक्टर अवकाहाट से उनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर थे तो उन्होंने उनको लेटर लिखा कि मैं ऐसे साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो आप प्लीज मुझे बताए कि मैं क्या यू you नो know, एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ अगेन देखो लाइफ में अच्छे पेरेंट्स का सपोर्ट एक अच्छी टीचर एक अच्छा गाइड होगा तो बच्चा जो है बहुत सही रास्ते पे जाता है आपके भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं यू जस्ट हैव टू अप्रोच देम बच्चा सामने से अप्रोच करना चाहिए टीचर्स को कि टीचर मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दे ठीक है शर्माने से कुछ नहीं मिलता लाइफ में ये शर्माया क्या नहीं इसने ले, लेटर लिखा सीधे और कहा को कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ इस फील्ड में तो ऑफकोर्स एब्राइड ने जो है उनसे रिप्लाई पाया और उनको उन्होंने कई सारे सजेशन दिए कि भाई ऐसे ऐसे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो ठीक है तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो स्कूल लाइफ में काफ़ी बिजी हो गए वो और ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए जिनसे उनको कई सारे प्राइज मिलने लगे ठीक है साइंस फेयर में नॉट ओनली काउंटी साइंस फेयर इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी वो जीतने लगे ठीक है अब फिर जैसे तैसे वो आठवीं कक्षा में आ गए ठीक है जैसे तैसे नहीं काफ़ी जीतते जीतते आठवीं कक्षा में आ गए ठीक है और एब्राइट ने अब क्या किया अब उन्होंने नया जो है सोचा अब मैं नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं एक वायरल डिजीज का कॉज जो है पता करने की कोशिश करूंगा एक वायरल डिजीज चल रहा था उस टाइम पे जिसकी वजह से बहुत सारे मोनार कैटेपिल्स यानी वो जो बटरफ्लाई की जो स्पेशल प्रजाति है मोनार्क monarch... प्रजाति उसके कैटेपिल्स जो है काफी मर रहे थे उस वायरल डिजीज की वजह से तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस डिजीज का मैं जो है कॉज पता करूंगा आ, तो फिर उन्होंने जो है ये डिजीज उन्होंने सोचा शायद बीटल के वजह से होती है ठीक है बीटल एक दूसरा इंसेक्ट है तो उन्होंने सोचा ये वाली जो डिज़ीज़ है ये बीटल के वजह से होती है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि उन्होंने कैटरपिलर्स को मोना कैटरपिलर्स को बढ़ाना रेस शुर, करना शुरू किया पालना शुरू किया लेकिन वहाँ पर किसकी मौजूदगी में बीटल्स की मौजूदगी में उन्होंने जो है उनको रेस करना शुरू किया ठीक है और फिर जब उनको पता चला कि वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस तरीके से किया लेकिन उससे कुछ उनको खासा रिजल्ट तो नहीं मिला बट एटलीस्ट उनको कुछ कुछ फाइंडिंग्स आई तो उन्होंने क्या किया फिर भी ये जो है अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर भी ट्राई किया और ये एक्सपेरिमेंट साइंस फेयर में दिखाया और ऑब्वियसली वो जीते ठीक है वो इस बार जीत गए तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट बढ़ते गया ठीक है अब नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया वाइस रॉय बटरफ्लाईज वाइस रॉय बटरफ्लाईज जो होती है अगर आप ये पिक्चर देखोगे दो टाइप की बटरफ्लाइज है ठीक है ऊपर वाली जो है मोनाक बटरफ्लाई है नीचे वाली बटरफ्लाई है तो उन्होंने डिसाइड किया कि कि अब मैं मेरा एक, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा कैसे मोनाक बटरफ्लाई की कॉपी करते हैं ठीक है कैसे करते हैं कॉपी और क्यों करते हैं कॉपी ये उनका हो गया नेक्स्ट uh, जो है uh, मुद्दा कि अब मैं ये करूंगा अब उनको पता चला कि वाइस रॉय बटरफ्लाई जो है मोनाक जैसे दिखने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि मुना बटरफ्लाई का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं होता तो स्वाद अच्छा नहीं होता तो बर्ड्स उनको खाते नहीं है ठीक है लेकिन वाइस रॉय बटरफ्लाई का स्वाद बहुत अच्छा होता है तो बर्ड्स उनको खा लेते हैं तो इसलिए वाइस रॉय बटरफ्लाई जो है जैसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं अगर आप चार्ल्स डामिन की थियोरी समझते हो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि आप धीरे 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 एवोल्यूशन की मदद से अपना जो है कॉपी करेंगे इनका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है तो वाइस रॉय जो है काफी टेस्टी थे तो उन्होंने दे स्टार्टेड लुकिंग मोर लाइक मोनाक्स वो उनके जैसे दिखने के लिए ज्यादा शुरू कर दिए तो इसकी वजह से बर्ड्स जो है उनको कम खाने लगे अगेन ये जो प्र, उनका प्रोजेक्ट था कि अगर बर्ड्स जो है मोनाक् बटरफ्लाई को खाती है क्या ठीक है तो उनको पता चला कि स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड तो स्टार्लिंग बर्ड जो है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाते ठीक है और उनको ये पता चला कि वो लेकिन मोनाक्स को खाते तो मुनाक् को कौन सी बर्ड खाती है स्टालिंग बर्ड ही मोनाक्स को खाती है ठीक है और उन्होंने ये सारी जो है फाइंडिंग्स उन्होंने पता की तो मतलब वाइस रॉय बटरफ्लाई क्यों कॉपी करता है मोनाक की और मोनाक् को अगर कोई बर्ड नहीं खाता तो कोई तो बर्ड खाता होगा तो वो कौन सी बर्ड थी स्टालिंग बर्ड थी ठीक है अब एब्राइट जो है उन्होंने लेटर रिसर्च में लोगों को बताया कि इसीलिए जो है वाइस रॉयस मोनाक् की कॉपी करते हैं ऑलराइट right? अब ये जो प्रोजेक्ट है काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है तो उसकी वजह से उनको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी डिवीजन में और ओवरऑल थर्ड प्लेस मिला उनको काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने इस तरीके से प्राइज़ जो है जीती नाउ मूविंग फर्दर लेट अस हैव अ लुक एट हिज लाइफ फर्दर ठीक है सो so, अब सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल अब वो हाई स्कूल में आ गए ठीक है आप कह सकते हो अराउंड अब आपकी एज के आ गए अब आपकी उम्र में उन्होंने क्या किया देखते ठीक है है तो रिचर्ड जो है, उन्होंने अपनी रिसर्च अगेन स्टार्ट की तो उनको बहुत सारी चीजें पता चली उनको एक अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन के बारे में पता चला ठीक है एक अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन के बारे में पता चला जिससे इनडायरेक्टली उनको हेल्प मिली उनकी सेल लाइफ को स्टडी करने का जो थ्योरी है उसमें उन्होंने नया थ्योरी जैसे हम जानते बनाया है टू स्टडी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स तो वो उनको एक अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन की वजह से पता चला अब क्वेश्चन होता? होता है ढूंढने की कोशिश करता है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था कि मोनार्क uh, प्यूपा में छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट होते कितने होते हैं ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट होते ठीक है जो कैटापिल होता है मोनाक सॉरी मोनाक उसमें जो है बारह छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स होते हैं तो वो क्यों होते हैं वो उनका क्या काम है क्योंकि लोग यही सोचते थे वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए यू नो फैंसी ड्राइंग के लिए हम लोग बोलते हैं ना बटरफ्लाईस का उनका ड्राइंग है डिजाइन है उनका वो डिजाइन नहीं है उसके पीछे रीजन है ठीक है तो सारे लोग क्या सोचते थे इट इज ऑर्नामेंटल ठीक है वो डिजाइन के लिए ब्यूटिफुल दिखने के लिए है लेकिन एब्राइट ने बोला कि नहीं डॉक्टर कहते कि ये डिजाइन के लिए नहीं है ये यूनिक दिखने के लिए सुंदर दिखने के लिए नहीं है इसके पीछे कुछ कारण होगा तो एब्राइट ने डिसाइड किया कि कि चलो मैं इसका आंसर ढूंढता ये बारह स्पॉट्स गोल्ड स्पॉट्स क्यों है इसके प्य पे तो अगेन उसका जो एक अच्छा दोस्त था साइंस स्टूडेंट था अच्छा पढ़ने में उसको उसने लिया और उन दोनों ने मिलकर एक डिवाइस बनाई जिससे वो स्टडी कर सकते हैं इस बारह गोल्डन स्पॉट्स को ठीक है तो उनसे पता चला कि ये स्पॉट्स जो है एक स्पेशल हार्मोन से क्रिएट करती थी प्रोड्यूस करती थी ठीक है एक स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करती थी जिसके वजह से बटरफ्लाइज डेवलप होते थे बटरफ्लाइज बनते थे सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बटरफ्लाइज ये हार्मोन होती थी और वो हार्मोन कहाँ से आती थी वो ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट से आती थी वो ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है उनके पीछे पर्पस था टू सिक्रीट हार्मोन्स टू प्रोड्यूस हार्मो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द बटर बटरफ्लाईज फुल डिवेलपमेंट ठीक है ऑफ़ कोर्स ये प्रोजेक्ट बहुत ही ब्रेक थ्रू था तो एब्राइड को जो है फर्स्ट प्लेस मिला पूरी काउंटी फेयर में तो आप देख सकते हो फ्रॉम लूजिंग ऑल द प्राइजेस टू विनिंग थर्ड प्राइज टू विनिंग द फर्स्ट प्राइज नॉट ओनली इन

वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एटमोलॉजी लेबोरेटरी में उन्होंने सम, सम में काम करने का उनको मौका भी मिला ठीक है एट द एज ऑफ हाई स्कूल कैन यू इमेजिन तो हाई स्कूल जूनियर रहे, रहे हैं अभी इस टाइम पे रिचर्ड एब्राइट और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है मोनार्क प्यूपा पे कंटिन्यू करें ठीक है और ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते रहे और उस साल उनका जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट प्लेस उनको मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में और उनको एक और बार मौका मिला आर्मी लेबॉरेटरी में दोबारा समर में काम करने का तो दो बार उनको लेबॉरेटरी में काम करने का मौका मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्होंने प्राइज भी जीता अब कॉलेज में आ गए अब सॉरी हाई स्कूल सीनियर ईयर में आ गए ठीक है अब वो और अपनी लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़े कहाँ बढ़े उन्होंने मुनाक जो विंग है मुनाक की विंग है उससे सेल्स ग्रो किए एक कल्चर में ठीक है और उन्होंने ये बताया कि ये जो सेल्स है ये बढ़ती हैं और डिवेलप होती है किसमें नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में स्केल्स ओनली इफ दे आर फेड फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स अगर उनको गोल्ड स्पॉट की हॉर्मोन मिलेंगी तो ही वो सेल बढ़ती और डिवेलप होती है एक बटरफ्लाई में वरना नहीं होती ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये जो प्रोजेक्ट था उनका उससे उनको फर्स्ट प्राइज जो है मिला जुआलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में तो कैसे देख रहे थर्ड प्राइज से वो फर्स्ट प्राइज में आ चुके हैं जुआलॉजी इंटरनेशनल फेयर में तो उनका जो पूरा समर था ग्रेजुएशन टाइम का वो उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए बिताया और नॉट ओनली दैट लेबोरेटरी ऑफ द दे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उन्होंने ये काम जो है करते हुए बिताया तो देखो अगर बच्चा सही फील्ड में है सही इंटरेस्ट की फील्ड में है तो अपॉरचुनिटीज की कमी नहीं है अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है अगर आप अपने सही फील्ड में काम कर रहे हो तो आगे अगले साल समर वेकेशन में क्या हुआ जब उनका फ्रेशमैन ईयर हो गया हाउवर्ल्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन मिला बाइपे तो उसके बाद समर इंटर्नशिप की बात आई तो वो वापस लेबोरेटरी में गए द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में एंड वहां पर उन्होंने उसी हार्मोन पर और काम किया वो जो गोल्ड स्पॉट्स की हार्मोन थी उन पर और काम किया तो लेकिन लेबोरेटरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे इक्विपमेंट्स थे जिसकी सहायता से सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ही हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स थे तो उनकी मदद से उन्होंने ये पता किया कि वो हार्मोन जो है गोल्ड स्पॉट हार्मोन उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ठीक है उसके बाद एक डेढ़ साल बाद जब वो जूनियर ईयर में आ गया अब वो कॉलेज में आ चुके हैं जूनियर ईयर में आ चुके हैं तो एब्राइट को एक नई आइडिया एक निय न्यू थियरी का एक आइडिया आया और वो न्यू थियरी किसकी थी सेल लाइफ की थी अब आप बोल रहे हो मैम इंग्लिश पढ़ा रही है कि साइंस पढ़ा रही है राइट बट अगेन यहाँ पे आप लोग को ये देखना है कि कैसे राइट नामिटी राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस एंड कैन लीड यू टूल अब ये हुआ कि उन्होंने ये नई थियरी जो है सेल लाइफ की वो स्टडी करना शुरू की तो वहां से उनको पता चला अब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे उसी केमिकल स्ट्रक्चर की हॉर्मोन की जो उन्होंने डिजाइन की अब जब उन्होंने फोटो देखा तो ऐसा नहीं कि ये उनके लिए एक यूरेका मोमेंट था यूरेका मोमेंट क्या होता है तो वो कहते हैं मतलब सोल्यूशन ले लिया ठीक है तो वो यूरेका कहते हैं उसको ठीक है तो लेकिन इनके लिए वो रिसर्च इतना ईजी नहीं था ऐसा नहीं था कि वो फोटोज देखते वो से ही बोले ये यूरेका सही मिल गया राइट ऐसा नहीं था उनके लिए इवन आई गॉट इट मोमेंट भी नहीं था उनके लिए क्योंकि काफी स्लो और काफी दि, 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 नो, थरो रिसर्च करना पड़ा बट उन्होंने एक चीज यू नो बिलीव करी कि उनको इंसेक्ट हॉर्मोन्स के बारे में कुछ तो पता चला लेकिन उन फोटो से उनको क्या पता चला उनकी जो बायोलॉजी पजल थी वो ये थी कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट्स डी एन सेल जो है डीएनए की ब्लूप्रिंट को पढ़ते हैं और उनको कॉपी करते हैं ये उनको उन फोटो से समझ में डीएनए सबको पता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड देखो मुझे आज तक याद है ठीक है सर डीएनए जो है वो एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस में होता है हर सेल की जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है हेरिडिटी यानी आपका Uh, आपकी जो इनफैक्ट एंटायर पर्सनालिटी है आप कैसे दिखोगे कैसे आपके बाल हम कहते हैं ना दादाजी के नाक आए मम्मी जी के कान आए पापा जी के होट आए ये सारी चीजें हेरिडिटी यानी डीएनए की वजह से बनती हैं तो डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट न्यूक्लियस में मिलता है वो राइट सो इससे पता चलता है फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल एक सेल का फॉर्म क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा तो डीएनए जो है लाइफ का ब्लू है ये उनको अपनी स्टडीज से पता चला So, he again, उन्होंने डिस्कवर किया इन हिस्स कॉलेज लाइफ ना मूविंग फर्दर वी मूव ऑन टू फाइनल हंट अब एब्राइट और उनके जो दोस्त है इसलिए मैं कहती हूँ कि दोस्त बहुत मायने देते हैं आपकी जिंदगी में सही टाइप के दोस्त होनी चाहिए आपके साथ प्रोडक्टिव दोस्त नॉन टॉक्सिव दोस्त सो so, उनके जो फ्रेंड थे कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वॉन्ग उन लोगों ने मिलकर जो है पूरी रात पिक्चर्स बनाते हुए और कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हुए उन्होंने निकाली किसकी प्लास्टिक मॉडल्स मॉलिक्यूल्स की ये बताने के लिए कि कैसे वो डीएनए बन रहा है कैसे सेल बन रहा है और उन दोनों ने मिलकर इस थियोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उनके फ्रेंड का नाम में भी एग्जाम में आ सकता है तो थोड़ा आप याद रखना ठीक है ये थियोरी उन्होंने सेल लाइफ की जो है वहाँ से डिवेलप की तो ऑफकोर्स तो जिन लोगों जो लोग ऑलरेडी रिचर्ड को जानते थे उनको ये देख के ताजुब नहीं हुआ बिकॉज रिचर्ड बचपन से ही काफ़ी एक इंटेलिजेंट और जिज्ञासी जिज्ञासु स्टूडेंट थे तो रिचर्ड एब्राइड जो है हार्वर्ड से ऑफकोर्स जो है पास हुए विथ हाइएस्ट ऑनर्स अच्छे बेस्ट बेस्ट मार्क्स से वो पास हुए एंड अपनी पूरी क्लास में जो क्लास में 1510 बच्चे थे उसमें वो सेकंड आए आई कैन नॉट इमेजिन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ही मस्ट प्रोसेस बट देन दिस गाइस दैट इफ यू आर इन द राइट फील्ड यू विल टॉप द क्लास ओनली इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर स्टडीज अदरवाइज स्टडी बर्डन हो जाएगी नेक्स्ट ईयर आपने चूज करना है ना साइंस आर्ट्स कॉमर्स अभी से सोचो अपना फील्ड ऑफ पैशन और उस हिसाब से आप आगे बढ़ो अदरवाइज आपकी पढ़ाई आपके लिए बर्डन हो जाएगी ठीके? और अगर आपने सही फील्ड चुनावें तो वेरी इजी ठीक है, in, uh, one, five, one, students, है. अब एबराइट जो है आगे ही वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर फिर वहीं पर वो एक स्टूडेंट रिसर्चर की तरह काम करने लगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी uh, में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में और वहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगे अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए अब अगर उनकी थियोरी करेक्ट होती तो उससे लाइफ की प्रोसेस के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता अब बटरफ्लाइज की सेल थियरी अगर वो पता करते तो लाइफ प्रोसेस जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत सारी बीमारियों का इवन हल मिल जाएगा राइट सो so बहुत बड़ा स्टेप होता और उससे क्या होता और भी नए आइडियाज जनरेट होते किसके इन प्रिवेंटिंग टाइप्स ऑफ कैंसर कुछ कैंसर जो होते हैं कुछ कुछ कैंसर वो कैसे होते हैं और बहुत सारे डिजीजेस कैसे होते हैं वो प्रिवेंशन में भी काफ़ी हेल्प हो जाती अगर इनका ये स्टडी इनका एक्सपेरिमेंट सही हो जाता एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी जिज्ञासा की वजह से उनकी पैशन की वजह से ये सारी चीज़ें आज पॉसिबल हुई है राइट right? सो so, उनका जो हाई स्कूल रिसर्च था छोटा सा जहाँ पे वो मुनाक प्यपा को यू नो स्पॉट्स को देख रहे थे आज वो बढ़ के इतनी बड़ी थ्योरी अबाउट सेल लाइफ इस लेवल पर आ चुकी है ठीक है एंड रीस जो रिचर्ड एब्राइट है उनको साइंस अपकोर्स हमें जैसे पता है बचपन से उनको इंटरेस्ट था बटरफ्लाई कलेक्शन से शुरू होके बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ता है सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता है लाइफ में और कुछ इंटरेस्ट नहीं है उनको और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है वो डिबेटर चैंपियन डिबेटर बहुत ही अच्छे प्रवक्ता बने एक पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे बने उन्हें डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत प्राइजेस मिलते थे उनको पब्लिक स्पीकिंग में भी मिलते थे गुड कैनोस्ट कैनोइट यानी वो जो बोट होती है बनाना शेप वो उसका उनका हॉबी था ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन तो बहुत ही एक आउटडोर पर्सनैलिटी थी उनकी काफ़ी चीज़ों में वो इंटरेस्टेड थे इनफैक्ट वो बहुत एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे ठीक है और स्पेशली नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते थे ठीक है so सो ये सारी उनकी हॉबी ये पैराग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मे वी दे कैन ऑल्सो आस्क यू वट आर द अदर हॉबीज ऑफ रिचर्ड एब्राइट अब हाई स्कूल में रिचर्ड ए जो है स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे यानी फुल ए ऑल ए सब ए मिलता था टॉपर थे वो ठीक है और इसलिए नहीं कि लर्निंग वॉज इजी इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ बच्चों टॉपर टॉपर कैसे टॉपर का फॉर्मूला क्या है टॉपर वो नहीं होता जिसके लिए पढ़ाई बहुत इजी होती है जिसको भगवान थोड़ा ज़्यादा दिमाग देके पैदा करता है नो इटली इट वॉज बिकॉज ही टर्न अ लॉर्ड ऑफ हिस् एनर्जी टूअर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब बिकॉज ही वॉज इंटू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वो ही वॉज पैशनेट अबाउट एंड दैट इज वाई वो डिबेट में भी बहुत भाग लेते थे मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स जो है एम यू एन इंडिया में भी हैं हमारी कॉलेजेस में जब आप कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे आप एम यू एन के भाग पार्टिसिपेशन uh, जरूर करना आप लोग भी मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब तो उनमें भी वो काफ़ी डिबेट वगैरह करते थे एंड ही ऑल्सो फाउंड टू एडमायर और उनके एक उनको एक आइडल भी मिला उनकी लाइफ में वो कौन थे रिचर्ड ए वेरर ठीक है वो उनके आइडल थे Uh, उनकी सोशल स्टडीज़ टीचर थे लाइफ में एक आइडल होना बहुत ज़रूरी होता है ज़रूरी नहीं कि वो आपके फील्ड के हो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे सोशल साइंस के टीचर थे उनके एंड वो उनके एडवाइज़र भी थे ठीक है टू बोथ क्लब्स के एडवाइज़र थे वो सो मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन उस टाइम पे मिस्टर वेरर जो है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट थे ठीक है uh, उन उनकी बातों से ना उनको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आई मिलते थे ठीक है एब्राइट एंड मिस्टर रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट अब मिस्टर वेरर जो है उनके सोशियलॉजी टीचर उनके बारे में क्या कहते थे कि रिचर्ड जो है ना बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था बहुत मेहनती बच्चा था ठीक है एंड वॉट प्लीज मी वॉज ही वॉज दिस पर्सन वुड व्री एंड फोर आवर्स एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूंगल हि रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्ट तो वो रात के दो तीन घंटे एक्स्ट्रा डाल के जब वो डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लेते थे तो जो टाइम वो अपना यू नो बटरफ्लाई uh, रिसर्च करते थे उसके अलावा वो और दो तीन घंटा एक्स्ट्रा डाल के डिबेट कंपटीशन के लिए भी अलग से रिसर्च करते थे सो ही वो सच अ ब्राइट स्टूडेंट इतना मेहनती थे वो ठीक है इतनी मेहनती थे तो मेहनत से आई है ऐसा नहीं है ही वो कम्पेटिटिव कम्पेटिटिव होना लाइफ में बहुत जरूरी है बच्चों देखो दो टाइप का कॉम्पिटिशन होता है एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन होता है एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होता है कॉम्पिटिशन इज पॉजिटिव कॉम्पिटिशन इज एब्सोलुटली नेसेसरी फॉर योर लाइफ ठीक है मतलब किसी को देख के जल के आगे बढ़ना उसे नेगेटिव कंपटीशन कहते हैं। आपके दोस्त को आपसे ज्यादा आया तो आपको बुरा लग रहा है आपके लाइफ में पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होना चाहिए यानी मैं खुद से कम्पीट करू की लास्ट टाइम चलो मुझे आया इस बार में नाइन्टी फाइव लाऊंगा पॉजिटिव कॉम्पिटिशन दट इज दॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ सो जो थे वो काफी पॉजिटिव कंपेरेटिव पर्सन थे ठीक है इन अ बैड सेंस नहीं जैसे मैंने कहा नेगेटिव कंपटीशन में नहीं थे He wasn't interested in winning for the winning sake. वो जीतना इसलिए नहीं चाहते थे कि मैं दिखाऊं चल मैं जीत गया मतलब जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं जीता ठीक है या प्राइज के लिए भी नहीं करते थे वो कंपटीशन में भाग उनको प्राइज में इंटरेस्ट नहीं था या उनको किसी को दिखाने के लिए नहीं जीतना था फिर उनको क्यों जीतना था उनको जीतना था क्योंकि उनका ये इरादा था कि अब मुझे ये टास्क मिला है तो इसमें मैं अपना बेस्ट जो है दिखाऊंगा जैसे मैंने कहा खुद का बेस्ट डालना और जब आप अपना खुद का बेस्ट डालते हो तो जीत मिलती ही है दूसरों की तरफ नहीं देखना कि दूसरे कितना कर रहे दूसरे दूसरे कितना कर कर रहे रहे हैं हैं क्या अब मैं उसका देख के अपना और इम्प्रूव करूँ खुद का जो मेरा नॉलेज है मेरा एफर्ट्स है वो मैं बेस्ट डालू और मैं फिर उसके बाद जो भी परिणाम आएगा वो मैं कबूल करूं तो वो रिचर्ड का आउटलुक था और ऑफ कोर्स जब इंसान अपना पूरा बेस्ट डालता है तो वो जीतता ही है लेकिन वो किसी प्राइज के लिए या किसी दिखावे के लिए कम्पेटिटिव नहीं थे और ये कौन कह रहे उनकी टीचर कह रहे हैं और जब आपकी टीचर आपकी ऐसी तारीफ करते तो वो बहुत सच्ची तारीफ है वो दिल पे लगती है राइट सो फॉर द राइट ही रीजनड टू बी द बेस्ट वो क्यों बेस्ट होना चाहते थे क्योंकि उनका uh, वो फील्ड है उनका इंटरेस्ट है वो कभी यू नो पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे वो बच्चे उनका मतलब तो पर्सनैलिटी ही वैसा था ठीक है एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रीडियंट्स इन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट तो अब हम जान जानेंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ठीक है सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या बताया उन्होंने कि टू कम्पीट नॉट फॉर द सेक ऑफ विनिंग बट टू कम्पीट टू गिव योर बेस्ट यानी जीतने के लिए मत भागो आप अपना बेस्ट दो ये तो रानचोड़ दास जी ने ऑलरेडी कहा है कि तुम सक्सेस के पीछे मत भागो तुम एक्सेलेंस के पीछे भागो सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी राइट right? तो ये हो गया इंग्रेडिएंट नंबर वन टू रन बिहाइंड एक्सीलेंस नॉट सक्सेस आगे देखते हैं इंग्रेडिएंट नंबर टू क्या है टू स्टार्ट विद अ फ्रेश फर्स्ट रेट माइंड बेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड अ ब्राइट माइंड में कहां से लाओ? कहां से लाऊ मतलब आपका माइंड ऑलरेडी ब्राइट है वो राइट right फील्ड में होगा तो ब्राइट होगा क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होनी चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए इंटरेस्ट होनी चाहिए ठीक है कुछ जानने की इच्छा जिसे हम कहते हैं मिक्स इन दिल टू विन और थोड़ा सा जीतने की जो है इच्छा फॉर द राइट रीजन जीतने की इच्छा यानी एक्सीलेंस पाने की इच्छा बेस्ट करने की इच्छा तो क्या क्या है मेजर थ्री चीजें तीन चीजें होनी चाहिए राइट माइंड सेट होना चाहिए आपका क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और एक्सीलेंस जो है दिखाना चाहिए आपने अपने काम में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस की इच्छा होनी चाहिए ये तीन चीजें अगर आपके पास होगी तो आप जो है एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे लाइफ में तो एब्राइट में ये तीनों क्वालिटी थी और टाइम टू टाइम जब द मोमेंट ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक द ट्रेवल्स ऑफ उसकी मम्मी ने उनको गिफ्ट दी थी उ, उस टाइम से ही उनकी दुनिया जो है साइंस की दुनिया उनके लिए खुल गई और एब्राइट ने उस दिन से आज तक उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उनका जो पैशन है जानने की इच्छा सीखने की इच्छा जो है वो खोई नहीं किस वजह से जब से उन्होंने वो किताब पढ़नी शुरू की सो दैट इज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बच्चों ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सीरेट ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर करियर द सीक्रेट ऑफ पासिंग योर बोर्ड एग्जाम इन फैक्ट दिस इज ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ पासिंग बोर्ड एग्जाम एक ब्राइट माइंड एक क्यूरियोसिटी और एक्सिलेंस की तरफ भागना ये तीन चीजें होंगी तो आप जो है डेफिनेटली हर जगह अपनी लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल होंगे आई होप यू डोन्ट हैल्ट वर्ड्स मे बी दैट यू केम अक्रॉस लीग्स जो होते हैं क्लब्स होते हैं काउंटी जैसे मैंने कहा रीजन एरिया स्टारलिंग जो मैंने कहा एक बर्ड का टाइप है यूरोपियन बर्ड है ठीक है एंटोमोलॉजी entom, entom, जो है इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं यूरेका जो मैंने कहा राइट right मोमेंट अरे मिल गया सोल्यूशन मिल गया तो वो जब डिस्कवरी होती है या विक्ट्री होती है तो वो टाइम पे लोग चिल्लाते हैं कैनोएस्ट यानी दू पैडल्स कैनो कैनो यानी पतली सी लाइट हल्की बोट होती है ठीक है सो दैट इज ऑल

राइट right? सो so, आपको अपना रोड सही पकड़ना है सही रोड पकड़ेंगे तो रास्ता आसान हो जाता है आसान मतलब जो कठिनाई है वो तो होती है लेकिन कठिनाई कठिनाई नहीं लगती चैलेंज लगती है राइट पॉजिटिव चैलेंज कंपटीशन मेंटी करेंगे मेंटी जरूर करेंगे मेंटी मेरा फेवरेट होता है चलो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ नोबडी हैज अ डाउट थिंक अबाउट इट इज नॉट द क्वेश्चन आंसर आई थिंक इज इट सो quickly we'll have a look at the questions grammar we'll start with grammar definitely in the next class aap 500 ho jao beta aap badh jao how can one become scientist an economist a historian कैसे बन सकते हैं आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं किसी भी फील्ड में बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है क्या उस किताब उस सब्जेक्ट का क्या उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है थिंकिंग करना पड़ता है ऑफ कोर्स द सेकंड पार्ट इज करेक्ट किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है आप में उसमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है तभी आप सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेंगे ऐसा ये कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूं ठीक है आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन आंसर हियर दिस इज ऑल एक्टिविटी स्टाफ माई गॉल वॉट इज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एन ऑल ए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ऐसा ही टेक्स बुक खोली की ना मैंने दिस इज आई थिंक जस्ट फॉर यू टू नो ठीक है हनी वीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनका हनी कोम और रेनफॉल ड्रॉप्स में ही क्यों होता है ये तो मैंने कभी नहीं सोचा आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे साइंस में तो आप बताइए ड्रॉप्स में क्यों होता है रेनफॉल ऑल राइट गाइस दैट दैट इज इज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए आज मैंने इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको मेरे तरफ से नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए सो दैट मैं उसके लिए प्रिपेयर करूं आई होप आई एम डिलीवरिंग योर डिमांड्स सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई हैव आई होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम बाय एयर प्रेशर की वजह से ओके